नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप जो है अपना जेरोक्स मशीन में बाईपास होता है, इसमें से आप जो है जेरोक्स कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में बताएंगे। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखे गए बेल आइकन को भी दबाइए। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बाईपास में जेरोक्स करने के लिए आपको जो है पहले बाईपास में आपको पेपर रखना है। तो आप चाहे यहाँ पे मैक्सिमम आप 50 पेज आप एक साथ रख सकते हैं, उससे ज़्यादा पेज आप नहीं रख सकते। तो चलिए, पहले आपको पेज को ठीक से कर लेना है। आप इस तरह से भी आप रख सकते हैं और इस तरह से भी आप पेज आपको आप जो चाहे रख सकते हैं। आपको ठीक से आपको सेट करके आपको इस तरह से आपको रहने देना है। और मैं जो है यहाँ पर इस तरह से पेपर को रखूँगा, मैं A4 में जो है जेरोक्स करूँगा। तो यहाँ पे इस तरह को पेज इस तरह से पेज को दे के आपको जो है इसको आपको एडजस्ट ठीक से कर लेना है और यहाँ पे आपको ठीक से आपको पेपर को अंदर से ले जाना है। वहाँ पे एक सेंसर रहता है, उस सेंसर के अंदर जो है इस पेपर को आपको ले जाना है और ठीक से आपको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले में आ जाना है। यहाँ पर जब पेपर रखोगे इस तरह से यहाँ पर एक इंटरफेस आ जाता है। आपको यहाँ पर A4 में मैं करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A4 इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे बहुत सारे पेज है तो मैं जो है अभी प्लेन पेपर में करूँगा, यहाँ पे प्लेन में ही रहने देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ओके के पे ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बाईपास सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करके मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट तो यहाँ पर बाईपास में ही है, A4 में ऊपर देख सकते हो सिलेक्ट हुआ है। अब जो है आपको डन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है बाईपास का जो सेटअप होता है वो रेडी हो चुका है मेरा जो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर दिया हुआ है, इसी तरह से बहुत सारा पेपर है, 20 से 25 तक पेपर मैं यहाँ पे रखा हूँ। अब जो है आपको यहाँ पे पेज को आपको दे देना है, जिस पेज को आपको जेरोक्स करना है। मैं एक साइड में जेरोक्स करूँगा, इस तरह से एक साइड में ही रख के आपको यहाँ पर जो है आप यहाँ पे कलर आप जो चाहे ज़्यादा भी कर सकते हो, यहाँ से कम जितनी चाहे दे के आप परसेंटेज भी थोड़ा सा मैं 1% कम कर लेता हूँ। और डन पे क्लिक करके आप एक साइड करेंगे, इसके लिए और कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस पर यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करना है और यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको देखना है आप यहाँ पर जो है पेपर एक खींच लेगा, देख सकते हैं पेपर यहाँ से जा रहा है और यहाँ से निकल के आ जाए पर आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही जेरोक्स होके आ गया है। इसको मैं रख देता हूँ और एक करके भी दिखा देता हूँ। मैं फिर से एक बार यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जो है पेपर जाएगा, देख सकते हैं पेपर फिर से एक जा रहा है और यहाँ से निकल के आ गया। अब चाहे यहाँ से एक साथ जितनी चाहे 5, 10, 15 जितनी चाहे कॉपी यहाँ से आप एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक साइड का कॉपी इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। आप जो है बोथ साइड आप कैसे करेंगे, मतलब एक ही पेज में दोनों साइड आप कैसे जेरोक्स करेंगे, इस पेज को देके जेरोक्स करके मैं बता देता हूँ। पहले आपको जो है जिस पेज को आपको जेरोक्स करना है इसको आपको रखना है। तो यहाँ पे जो है बाईपास का सेटअप जो है मैं पहले से ही किया हुआ हूँ, अगर आपका रिसेट हो गया है मैं फिर से दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए रिसेट हो गया है, यहाँ से जो है सेटिंग चला गया, आपको बाईपास का सेटिंग करना है। अगर आप बाईपास का सेटिंग नहीं करोगे तो यहाँ पे है नीचे की ट्रे से जो है पेपर उठा लेगा। तो यहाँ से आपको बाईपास का सेटिंग कर लेना है। पेपर सिलेक्ट में जाके यहाँ पर सिलेक्ट बाईपास के ऑप्शन में जाके आपको A4 इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो है प्लेन में ही रहने देना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक करके डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है बाईपास का जो है सेटअप रेडी हो चुका है। अब जो है यहाँ पे दोनों साइड आपको जेरोक्स करना है, इसलिए आपको दोनों साइड का ऑप्शन भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है टू साइड इसको ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, 1 और 2 साइड इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करके आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब है एक ही पेज में दोनों साइड कॉपी होगा। और यहाँ पे फिनिशिंग में जाके आपको यहाँ पे फिनिशिंग कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो भी
कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे फॉर्म को जीरोस कर रहा हूँ, इसको सजाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई बुक या कोई खाते का अगर आप जीरोस करेंगे तो आपको इस ऑप्शन को क्वालिटी इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर दे के आपको ओके पे क्लिक कर देना है, क्योंकि इस ऑप्शन को अगर क्लिक करोगे तो आपको जो है पेज जितनी कॉपी करेंगे आपको साझा हुआ यहाँ पे जीरोक्स होके मिलेगा। तो आप जो है यहाँ से मैं कलर थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब जो है इसको आपको स्कैन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक करके जो है स्कैन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड स्कैन हो गया है। आप इसको पेज को उल्टा कर देना है, किस तरह से पहले वीडियो में मैंने जिस तरह से बोथ साइड जेरोक्स में बताया है उसी तरह से आपको इसको इस तरह से उल्टा करके इस तरह से रख देना है। इस तरह से रख के आपको यहाँ पे ढक देना है और फिर से आपको स्कैन के ऊपर स्टार्ट में बटन को क्लिक करके स्कैन कर लेना है। अगर बोथ साइड जेरोक्स के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आप मेरा जो है पहला वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल में मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी और यहाँ पे आई बटन पे भी लिंक दे दूँगा। अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो आप बोथ साइड जेरोक्स कैसे करते हैं पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है स्कैन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो दोनों साइड आप जो है टू टू बता रहा है, तो दोनों साइड स्कैन हो चुका है। यहाँ पर कॉपीज़ पे यहाँ पर सीट वन बता रहा है, तो यहाँ पर एक ही सीट में होगा। और यहाँ पे कॉपीज़ वन बता रहा है, तो यहाँ पे एक कॉपी अगर आप करेंगे तो यहाँ पे एक, यहाँ पे दो कॉपी करेंगे तो दो। तो मैं जो है पहले आपको एक कॉपी करके दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक कॉपी ही है और आपको यहाँ पे डन के ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है पेपर उठाएगा। अब मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं पेपर जा रहा है तो चला गया और यहाँ से निकलेगा दोनों साइड। ओके, तो ये जो है पेपर दोनों साइड में ओके निकल के आ गया है, आप देख सकते हैं पहला और दूसरे में कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल एक ही जैसा जो है जीरोक्स हुआ है। ठीक है, चलिए इसको मैं रख देता हूँ साइड में और एक बार मैं तीन चार कॉपी करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। पहले आपको जो है फर्स्ट पेज आपको स्कैन कर लेना है और इसको इस तरह से नहीं, इसको उल्टा करके बैक साइड रखना है और स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके आपको स्कैन कर लेना है। हो गया है, आप इसको जो है मैं पांच कॉपी जेरोस करूँगा एक साथ, तो मैं यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे पांच पे क्लिक कर दिया है। आप जो है इसको डन के ऊपर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे पांच पेज उठाएगा एक एक करके, आप देखेंगे एक पेज जा रहा है, दो पेज यहाँ पे ले लिया और पेपर यहाँ से निकल रहा है, मैं इसको भी दिखा देता हूँ। निकल गया पांच पेज, अब देख सकते हैं एक साथ मैंने पांच पेज निकाला है बोथ साइड में, सबके सब बोथ साइड में भी है। इस तरह से आप जो है जितनी चाहे बैक साइड में भी, मतलब बाईपास में से इस तरह से आप जेरोक्स कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको बार बार इसको आपको ठीक करना होगा, क्योंकि अगर ठीक नहीं होगा तो जेरोक्स मशीन में अंदर आपका पेपर फंस भी सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रख के आपको यहाँ से पेपर को ठीक से एडजस्ट करके आपको जीरोस करना है। तो दोस्तों यही जानकारी देना था आपको, इस तरह से जो है आप जीरोस कर सकते हैं अपने मशीन में। और बहुत कुछ आप सीखने के लिए आप मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा आपको जीरोस के रिलेटेड। अब उसको देख के आप जो है खुद घर बैठे बैठे आप जीरोस करना आप सीख सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।